डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स थ्योरम 1.4। तो थ्योरम 1.4 कहता है कि रूट 2 इज इरेशनल नंबर, यानी कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। तो इसे प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले लेट अस अज्यूम टू द contrary that root 2 is rational number, यानी कि हम उससे उल्टा assume कर रहे हैं कि root 2 एक rational number है। अभी देखिए, आप अगले standard में पढ़ चुके हैं कि rational number को हम p by q के form में लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए, मैं यहां पर p by q के जगह a by b के form में लिखता हूं। So, root 2 is equals to क्या होगा, a by b, where a and b is not equals to 0 and a and b are co-prime, ठीक है। यानी कि a और b co-prime है तो उसका HCF हमें 1 मिलेगा। यानी कि a और b में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ओके। अभी b यहां पर डिवीजन में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में। सो रूट टू इंटू बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, a। अभी हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो रूट टू इंटू बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, a स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर होता है 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हियर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अभी पिछले लेक्चर में हमने थ्योरम 1.3 पढ़ा, जिसमें क्या था कि अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यानी कि यहां पर प्राइम नंबर 2 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3, ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। So, हम ऐसा लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू 2c, वेर c इज सम इंटीजर, ठीक है। अभी देखिए, a इज इक्वल्स टू 2c, ये वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं। सो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, a की जगह लिखेंगे 2c होल स्क्वायर। सो 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, सामने जाएगा तो डिविजन में। सो 4c स्क्वायर बाई 2, 2 2 4, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2c स्क्वायर, ठीक है। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हियर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। So, फिर से हम ऐसा लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। सो देखिए, यहां पर हमें क्या मिला कि a और b दोनों 2 से डिविजिबल है। सो a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 2, ठीक है। लेकिन इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट ए एंड बी आर कोप्राइम, ठीक है। सबसे पहले हमने लिया था कि ए और बी क्या होगा, कोप्राइम, यानी कि उसका HCF हमें मिलेगा 1।
वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर यहां पर नहीं मिल सकता, लेकिन यहां पर तो कॉमन फैक्टर मिला टू, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा एजम्पशन गलत है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। तो हमने क्या एज्यूम किया था कि रूट टू रेशनल नंबर है, तो ये एजम्पशन तो गलत है। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हैंस रूट टू इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम थ्योरम 1.4 समझ सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।